हो रहे हैं 7 और कितना प्यारा मौसम हो रहा है यार। हल्की हल्की सी बारिश और इसी बारिश और इसी हवा के बीच में लहराता हुआ हमारा तिरंगा प्यारा, हमारी देश की शान आन बान, कितना प्यारा लग रहा है। तो एक बार सब कमेंट्स में जय हिंद जरूर लिख देना। तो अब मैं मिलती हूँ आपको तैयार होने के बाद, मतलब तैयार नहीं होना, सिर्फ सूट चेंज करना है क्योंकि मैंने पहनी हुई है टी शर्ट और लोअर। और अभी जाऊँगी मैं दग्गू के बर्थडे में, मैं और बच्चे जाएंगे। अभी तो ये लेटा यहाँ पे, वो पीछे टीवी देख रहा है, तो अभी तैयार होंगे बच्चे भी और मैं भी, सूट डालूंगी, इसके बाद हम जाएंगे बर्थडे। वीडियो बना पाई तो ज़रूर मैं क्लिप ऐड कर दूँगी। और बच्चे देखो लेटे हुए यहाँ पे, एक बड़ा ये रहा, छोटा कहाँ है, छोटा तो पता नहीं कहाँ पड़ा रहता है। तो चलिए फिर मिलते हैं वहीं पे ही, तब तक के लिए बाय तो नहीं बोलूँगी। चलिए तो गाइस यहाँ पे कर लिया है मैंने अपना सूट चेंज। मैंने आपसे बताया था कि तैयार तो कुछ नहीं होना, बस सूट ही चेंज करना था मुझे। तो अब मैं जा रही हूँ, और जाना भी कहीं ज़्यादा दूर नहीं है अपने घर से, पर बराबर वाले घर में ही जाना है क्योंकि मेरे देवर के बेटे है देव, जो मैंने आपको अपनी वीडियो में दिखाया था इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में, तो उसका ही बर्थडे है आज। तो भैया बराबर में रहते हैं देवर, और हमारा घर बराबर बराबर में ही है। तो चलिए वहीं मिलते हैं और फिर मैं दिखाती हूँ आपको बाकी की, पता नहीं मैं बना पाऊँगी या नहीं बना पाऊँगी वहाँ पे वीडियो जाकर, कोई बात नहीं, देखते हैं जितनी भी क्लिप होंगी तो मैं ऐड कर दूँगी। और भी छोटे से बेटे को खूब ढेर सारी ब्लेसिंग भेजना। तो मिलते हैं, डियर देव, पे मैं आ गई थी तो मैं तो वीडियो भी बनाने लग गई, मेरा तो किसी ने फोटो भी नहीं खींचा। तो ये बच्चे खिलाओ, दे मम्मी को, पापा को खिलाओ दिया है। और ये है बच्चे के मम्मी पापा, मतलब मेरे देवर और देवरानी, उन्होंने ही केक कट करवाया था और फिर इसको खिलाया। देखिए बच्चे पीछे कितनी शरारतें कर रहे हैं ये बड़े मतलब छोटे वाले भैया हैं, ये भाभी हैं इनकी, रेनू की, रेनू है मेरी देवरानी का नाम, उनके बच्चे हैं, बड़े वाले भैया हैं ये। तो बड़े वाले भैया भाभी आए थे, छोटे वाले भैया आए थे और बच्चे थे आस पड़ोस से, और दीदी थी, बराबर वाले भैया भी थे, बट वो मैं उनका कैप्चर नहीं कर पाई, उस टाइम तक आए नहीं थे। तो देखिए प्यारे से लड्डू गोपाल जी भी रखे हैं दो मेज पे, एक मेरी देवरानी ने लिया हुआ है लड्डू गोपाल जी, और दूसरा उनकी भाभी ने लिया हुआ था। ये देखिए बच्चों को अरेंज करने में ना इतना कोई बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बच्चे ना तो फ़ोटो क्लिक करते हैं ना दूसरों को करवाने देते हैं, और शोर इतना मचाते हैं ना बहुत ज़्यादा। तो बहुत इंजॉय कर रहे थे बच्चे, देखो बड़ी मुश्किल से अरेंज किए हैं सारे बच्चे यहाँ पे। और ये बड़े वाले भैया और भाभी हैं इनकी, इन्होंने यहाँ पे केक कट मतलब खिलवाया, फ़ोटो वगैरह करवाए, वीडियो बनवाई थी। और ये छोटे वाले भैया हैं, बस मेरी तो किसी ने क्लिक ही नहीं की पिक, ना मैंने बोला। ये भाभी देखो उनको खींच के फ़ोटो खिंचवा रही थी यहाँ पे, बच्चों का बस थोड़ा बहुत फ़ोटो सेशन करवाया कि चलो तुम भी खिंचवा लो अपने फ़ोटो। बस इसके बाद बच्चों ने खाना वाना खाया, बच्चों ने यहाँ पे कमरे में नहीं खाना खाया, मम्मी के कमरे में ही खाना खाया, बोल रहे हैं हमें अम्मा के कमरे में ही बैठ के खाना खाना है, और मतलब ये नहीं प्लेट में खाना है जिसमें मतलब वहाँ पे खाते हैं, ऐसे बड़े जिद होते हैं बच्चे। तो बस खाना वाना खाने के बाद लेट हो गए थे क्योंकि बच्चों के पेपर भी हैं, और यश के तो पेपर चल रहे हैं।